स्टाइल्स हैं या वो डिफरेंट पफ हैं जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं और मैंने सबसे पहले अपने फ्रंट हेयर को हल्का सा आयरन कर लिया है। और अगर आपके बाल थोड़े से वेवी या कर्ली हैं तो आप आयरन कर लें। आयरन करने के बाद या फिर स्ट्रेट आयरन यूज़ करने के बाद तो जो पफ है वो काफ़ी आसानी से ईजली बन जाता है। तो मैं आप पहले सबसे पहले आगे के थोड़े से बाल ले रही हूँ इस तरह से, और एक पतली कोम से मैंने इसे कोम कर लिया है। तो जो फर्स्ट जो पफ है ये, इसमें मैं ये हल्की सी पैडिंग यूज़ कर रही हूँ। एंड रियली आप जो लोग अगर जो यूज़ नहीं करते हैं उन्हें लगता होगा कि ये क्या एडिशनल झंझट है, बट रियली इट इज़ वेरी हेल्पफुल। पता ही नहीं चलता और ईजिली पफ बन जाता है एंड एक बम्प सा क्रिएट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है और कि आपने कुछ अंदर लगाया है बाल के अंदर, और ईजिली पफ क्रिएट हो जाता है। वेरी ईजी फॉर थिन हेयर के लिए, और जिनके बाल थिक हैं उनको तो उनके तो पफ बन जाता है ईजिली। तो देखिए कितना ईजिली ये एक पहला पफ हमारा बन गया। तो अब आते हैं पफ नंबर टू की तरफ, और यहाँ पे मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये जो आर्च है ना, अलग अलग शेड में आता है। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू यूज़ ये जो नए प्रोडक्ट्स थे। तो और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी झंझट है, बट ईजली, बहुत ईजली जो हेयर स्टाइल से बनते हैं। तो मैंने बस उसको प्लेस कर दिया है, और जितने भी बाल हैं उनको पीछे की तरफ ले लीजिए। और जिस तरह से नॉर्मल पफ बनाते हैं, यहाँ पे मैंने ज़्यादा बाल लिए हैं पहले पफ से, और ज़्यादा बाल को तो जितने भी बाल हैं उनको सिक्योर कर लेना है। टिक टैक पिन से मैंने कर लिया है, और आप पिंच से बाल को और पफी बना सकते हैं। तो बस ईजली इससे ना जो जितने भी मैं टूल्स यूज़ कर रही हूँ उसे ईजली पफ क्रिएट होता है एंड बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि आपने कुछ ऐड ऑन किया है बालों में। इट्स वेरी वेरी लाइट होते हैं ये टूल्स। तो मुझे बहुत मज़ा आया एंड सी कितना ईजिली पफ बन रहे हैं। एंड अब आते हैं थर्ड पफ की ओर, और यहाँ पे मैंने आगे के अपने थोड़े से फ्लिक्स निकाले हैं, और फिर मैं साइड से बाल और ज़्यादा इस बार और ज़्यादा लेयर लूँगी बालों की। तो वो डिपेंड करता है आपकी थिकनेस पे बालों की। आप जितना बाल लेंगे उतने ही पफ और फ्लफी और उतना बड़ा बनेगा। तो बस आपको अपने साइड से इस तरह से बाल ले लेने हैं पूरे, और मैं यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो अटैचमेंट है वो ऐड कर रही हूँ। तो ये सबसे बड़ा वाला टूल था, इसके थ्री आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज वाला टूल है। तो इसको बस मैंने लगा लिया है, और कोम से अच्छे से आप इसको अंदर सिक्योर कर लीजिए। बाल ईजिली इसके ऊपर, ऐसा नहीं होता है कि ये स्लिपरी होता है, बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं, बाल एकदम से ये बालों के अंदर मतलब सिक्योर हो जाता है और बिल्कुल भी हिलता नहीं है। सो बस मैंने आगे के फ्लेक्स को ऐसे निकाल लिया है, और इंस्टेंट क्विक पफ रेडी हो जाता है। सो ये है पफ नंबर थ्री, थोड़ा बिगर और ज़्यादा वॉल्यूम। तो अपने फ्लिक्स को आप साइड में ले सकते हैं, और सही या तो सेंटर पार्टीशन करके ले सकते हैं। अब मैं ये बना रही हूँ थर्ड, ये साइड पफ है, और मैंने साइड से बाल लिए हुए हैं। तो साइड पफ हम करेंगे, और यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ ये सर्कुलर वाला बम्प। ये गोल बम्प लगा के इसके ऊपर जैसे ही आप बाल डालते हैं तो एकदम से बाल स्पेसिफिक हो जाते हैं, देन ईजिली आप कर्ल करके एक साइड पफ क्रिएट कर सकते हैं। ईजिली इसे पफ बन जाता है, एंड रियली वेरी हेल्पफुल ये प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पेशली फॉर ऑल द थिन हेयर, जिनके बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं या थिन बाल हैं, या फिर आपका ऐसा वॉल्यूम वाला पफ नहीं बनता है, तो आप ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं। सो सी इतना ईजिली आराम से साइड पफ मेरा बन गया। तो ये था पफ नंबर फोर। अब आते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल की तरफ, और यहाँ पे मैं पीछे की तरफ क्राउन के बाल ले रही हूँ।
और यहाँ पे मैं पीछे एक बम्प लगा दूँगी, और बम्प के बाद फिर यहाँ पे मैं बालों को सिक्योर कर लेना है। और उसके बाद हम टिक टैक पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये जो कुछ हेयर स्टाइल है वो इंडियन ड्रेसेस पे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इवन वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी। तो मेरा पीछे का बम्प वाला पफ बन गया है, एंड अब मैं ले रही हूँ साइड से हेयर। और यहाँ पे मैं एक बम्प वाला ये सब पफ के लिए यूज़ होते हैं, एंड मैंने साइड में से लगा लिया है, एंड ईजिली उसके ऊपर बाल को आप रैप करते हुए और पीछे की तरफ ले जाइए और बस, और पिन से सिक्योर कर लीजिए। वेरी इजीली एंड फास्ट ये जो हेयर स्टाइल बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोनों साइड में ऐसे लगा ले रही। तो ये भी हेयर स्टाइल मेरा रेडी है। सो ये भी पफ हेयर स्टाइल है, तो इसको आप या तो पोनीटेल बना सकते हैं इसकी, या पीछे बन बना सकते हैं, या फिर इसको ओपन भी रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, और इसमें हम साइड पार्टीशन ना करके हम सेंटर पार्टीशन करेंगे, और सेंटर पार्टीशन करके हम बालों को साइड में सिक्योर कर लेंगे दोनों तरफ बम्प लगा के। ये जो हेयर स्टाइल है ये भी रेडी है, एंड इसके भी ये इंडियन ड्रेसेस पे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप मांग टीका के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो इसको ओपन रख सकते हैं, या फिर आप पीछे बन बना सकते हैं या चोटी बना सकते हैं। सो अब आते हैं लास्ट वन, सेवेंथ वन, और इसमें हम एक बड़ा पफ क्रिएट करेंगे। सो जो होल ऑफ जो आगे के पूरे जो फ्रंट हेयर होते हैं उसका हम पूरा एक बड़ा सा बम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं कोई भी टूल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ये नेचुरल हेयर से ही कर रहे हैं। तो बस आपके हेयर पतले हैं, अगर ऊपर के हेयर पतले हैं तो आप बम एड ऑन कर सकते हैं। तो बस सारे बालों को एक साथ लेना है, और फिर उसे ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ पुश करेंगे, तो एक बड़ा सा पफ क्रिएट हो जाएगा, और फिर उसे टिक टैक पिन से सिक्योर कर सकते हैं। और पिंच में आप बालों को ले पिंच में बाल लेके और एडजस्ट कर सकते हैं, और फ्लफी और पफी बना सकते हैं। एंड जो सामने से बेबी हेयर्स निकल रहे हैं उनको आप रोल करके करते हुए फ्लिक्स, उनके रोल फ्लिक्स बना सकते हैं। तो ये थे 7 डिफरेंट वेज जिससे पफ हेयर स्टाइल्स जो कि ईजली विद दीज इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, एंड वेरी ईजी बन जाते हैं। एंड रियली जब प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता चलता है इनकी वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंस कि कितने हेल्पफुल हैं। ऐसे तो लगता है कि आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी है, पर उनके लिए ये बेस्ट है जिनके बहुत ही कम हेयर है और जिनके पतले बाल हैं। तो ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, एंड बाय।